लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महारथी 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 कर्ण नारायण नारायण। आप अपने दुख की बात कर रहे हैं सूर्यदेव, और कर्ण के दुख को भूले जा रहे हैं। मैं कर्ण के किस दुख को भूल रहा हूँ देवर्षि? अभी तो मैं तो उसकी सहायता करना चाहता हूँ। आपको तो ज्ञात था भगवान कि वो आपका पुत्र है, किंतु उसे तो तनिक भी अनुमान नहीं कि आप उसके पिता हैं। आप उसे पुत्र की भांति स्नेह भी कह सकते हैं, उसे अपना पुत्र भी कह सकते हैं, किंतु वो तो अधीरथ को अपना पिता मानकर अकारण ही अपमानित हो रहा है। नारायण नारायण। भगवान आप उसे बता क्यों नहीं देते कि वो आपका पुत्र है? देवर्षि, मैं उसे बता सकता हूं कि वो मेरा पुत्र है, मैं उसका पिता हूं, किंतु उसकी मां कौन है इसका उत्तर क्या दूंगा मैं? नारायण नारायण। आपकी समस्या जटिल है भगवान, जटिल है आपकी समस्या। किंतु यदि आप कहें तो मैं देवी कुंती से बता सकता हूं कि वे कर्ण को अपना पुत्र स्वीकार कर लेना। नारायण नारायण। नहीं नारद, ये उचित नहीं होगा कि देवी कुंती कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताकर अपना पुत्र स्वीकार कर ले। तो क्या जीवन पर्यंत कर्ण को अपने वास्तविक माता पिता के स्नेह से वंचित रहना होगा? नहीं देवर्षि, उसे इस सत्य का ज्ञान तो हो ही जाएगा। मैं और कुंती नहीं बताएंगे तो ये समाज बता देगा, किंतु तब तक मेरा पुत्र जो ही असहाय अवस्था में अपमान झेलता रहेगा। नारायण नारायण। आपका पुत्र असहाय नहीं है सूर्यदेव, उसके विषय में एक अत्यंत शुभ समाचार है जिसे सुनकर कर्ण के विषय में आपकी समस्त चिंताएं और दुख दूर हो जाएंगे। कैसा शुभ समाचार? नारायण नारायण। प्रभु आपके पुत्र कर्ण को हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन जैसा वचन वाले मित्र मिल गया है। ये तो बड़े हर्ष की बात है देवर्षि, ये बात बताकर आपने मुझे प्रसन्न कर दिया है। निश्चय ही दुर्योधन कर्ण के जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। किंतु ये तभी होगा जब आपका हठे पुत्र दुर्योधन की सहायता सहर्ष स्वीकार करेगा। नारायण नारायण। मित्र कर्ण, राजकुमार दुर्योधन, आपने यहां पर आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। मित्र से मिलने के लिए तुम कष्ट कहते हो मित्र? कर्ण, अब तो जी चाहता है कि तुम सदा मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया हूं, चलो मेरे साथ। आप मुझे ले जाना चाहते हैं? मैं आपके साथ रह सकता हूं? क्यों नहीं रह सकते मित्र, क्यों नहीं? आप राजपुत्र हैं और मैं सारथी पुत्र, मेरी आपकी मित्रता संभव नहीं है राजकुमार दुर्योधन। मित्र, मैं राजकुमार बाद में और तुम्हारा मित्र पहले बनना चाहता हूं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी मित्रता को कभी नहीं ठुकराओगे, कभी नहीं। मुझे आपकी मित्रता स्वीकार है राजकुमार। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। तो फिर आज से तुम्हें गुरु कृपाचार्य के आश्रम में शस्त्र विद्या सीखनी है, आज से वे तुम्हारे गुरु होंगे, चलो मित्र। गुरु कृपाचार्य को दुविधा में डालने से कोई लाभ नहीं होगा मित्र, कोई लाभ नहीं होगा।
तुम्हें गुरु कृपाचार्य से दीक्षा लेने में क्या कष्ट है? गुरु द्रोण कृपाचार्य के संबंधी हैं, और मैंने गुरु द्रोण की शिष्यता ठुकरा दी है। अब ऐसे में कृपाचार्य को गुरु बनाने का प्रश्न उचित नहीं है दुर्योधन। ठीक है मित्र, जैसे तुम्हारी इच्छा। किंतु मैं गुरु द्रोण को उनकी भूल का स्मरण अवश्य कराऊंगा मित्र। मेरे प्रिय शिष्यों, आज तुम लोगों की शिक्षा संपूर्ण हुई। आज मैं ये कह सकता हूं कि जो भी ज्ञान मेरे कोष में था वो मैंने अपने शिष्यों को निरपेक्ष भाव से दिया, और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मुझे दुर्योधन और भीम जैसे गदाधर, नकुल और सहदेव जैसे खड़गधारी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे पल्ल योद्धा और अर्जुन जैसे अनुपम धनुर्धर प्राप्त हुए। गुरुदेव, आप जैसा सुयोग्य गुरु पाकर हम धन्य हो गए। आपके कुशल निर्देशन में हमारी शस्त्र शिक्षा संपूर्ण हो गई। अब हमें अपना दायित्व निभाने का अवसर दें। धर्मराज, तुम किस प्रकार के अवसर की बात कर रहे हो? आपके द्वारा दी गई दीक्षा के बदले आपने हम राजकुमारों से अभी तक किसी प्रकार की कोई भी दक्षिणा नहीं ली, इसलिए शिक्षा पूर्ण होने के प्रतिदान स्वरूप हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। हाँ गुरुदेव, बिना गुरु दक्षिणा के शिक्षा पूर्ण रह जाती है, गुरु का ऋण शेष रह जाता है। आप हमें आदेश दें कि हम आपको आपके मन की गुरु दक्षिणा दे सके। आदेश दे गुरुदेव। मेरे प्रिय शिष्यों, यदि तुम लोग मुझे गुरु दक्षिणा देने के लिए इतने ही उत्सुक हो तो मैं अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से गुरु दक्षिणा देने के लिए कहता हूं। अर्जुन की ही दक्षिणा को मैं तुम सबकी गुरु दक्षिणा समझ लूंगा। ये मेरा सौभाग्य है गुरुदेव कि आपने मुझे गुरु दक्षिणा देने की योग्य समझा। आप आदेश दें, मैं शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करता हूं। ठहरिए गुरुदेव। गुरु दक्षिणा देने का यह दायित्व आप मुझे ही निभाने दीजिए और किसी को नहीं, क्योंकि गुरु दक्षिणा देने का सर्वप्रथम अधिकार मेरा है गुरुदेव। क्यों, तुम्हारा अधिकार कैसे है गुरु दक्षिणा पर? आचार्य, कदाचित आप भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। मैं हस्तिनापुर नरेश, सम्राट धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन हूं। युवराज दुर्योधन, इसी कारण इस गुरु दक्षिणा पर एकमात्र अधिकार मेरा है गुरुदेव। यदि आप मुझे मेरे अधिकार से वंचित करेंगे तो आप मेरे साथ अन्याय करेंगे। भ्राता दुर्योधन, आप गुरुदेव को बाध्य नहीं कर सकते। वो अपने जिस शिष्य को गुरु दक्षिणा देने का आदेश देंगे वही उसका अधिकारी होगा। भ्राता दुर्योधन के होते यह कैसे संभव हो सकता है अर्जुन? दुशासन, आचार्य ने गुरु दक्षिणा का उत्तरदायित्व अर्जुन को सौंपा है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है, हमें उनकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। ठहरो युधिष्ठिर। दुर्योधन, यदि तुम गुरु दक्षिणा देने का दायित्व स्वयं पूर्ण करना चाहते हो तो मैं गुरु दक्षिणा देने का आदेश तुम्हें ही देता हूं। गुरुदेव, आप आदेश दें, केवल आदेश, कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? कहे गुरुदेव, कहे। मेरे प्रिय शिष्य दुर्योधन,
गुरु दक्षिणा में मुझे पांचाल नरेश ध्रुप चाहिए। तुम उस पांचाल नरेश ध्रुपद को बंदी बनाकर हमारे आश्रम में लाओ, वही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। मुझे तुमसे यही आशा थी प्रिय भांजे। तुमने अपनी योग्यता और अपनी वीरता प्रमाणित करने का अच्छा अवसर प्राप्त किया। गुरु दक्षिणा के लिए द्रौपद को बंदी बनाकर तुम एक साथ दो दो कार्य कर सकोगे। दो कार्य मामाश्री? हाँ भांजे हाँ। पहला कार्य तो ये कि द्रौपद जैसे वीर योद्धा को परास्त करके तुम अपनी वीरता प्रमाणित करोगे, जिससे हस्तिनापुर राज्य में तुम्हारे विरोधियों का मुंह सदा सदा के लिए बंद हो जाएगा। और दूसरा कार्य ये सिद्ध होगा कि आचार्य गुरु द्रोणाचार्य का आशीर्वाद जीवन पर्यंत तुम्हें सहज रूप से मिलता रहेगा। मामाश्री, द्रुपद वन में भटक रहे किसी मृग का शावक नहीं है कि गए और पकड़ कर ले आए। दुशासन, क्या तुम्हें मेरी वीरता पर कोई संदेह है? है तो बोलो। नहीं भ्राताश्री, नहीं, मुझे आपकी वीरता पर किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। मैं तो बस इस बात पर विचार कर रहा था कि यदि हम द्रुपद को बंदी नहीं बना पाए तो इस तो को तो अपने पास ही रखो प्रिय भांजे दुशासन। मेरा प्रिय भांजा दुर्योधन अवश्य ही द्रुपद को परास्त कर देगा। और एक बात क्यों भूल जाते हो भांजे दुशासन, कि दुर्योधन ने गुरु दक्षिणा पर अपना अधिकार जताकर कितना बड़ा कार्य किया है। एक बात का स्मरण रखो भांजे, यदि हस्तिनापुर को अपने अधीन रखना है ना, तो किसी भी अवसर को अपने हाथों से मत जाने दो। तुम्हें ज्ञात नहीं भांजे कि तुमने इन पांडवों को एक बहुत बड़े अवसर से वंचित करके हस्तिनापुर की राज सत्ता और राज सिंहासन पर अपना हाथ रख लिया है। किंतु भांजे, किंतु किंतु क्या मामाश्री? गुरु दक्षिणा के इस कार्यक्रम को थोड़े विलंब से संपन्न करो भांजे। परंतु क्यों? वो इसलिए कि हस्तिनापुर में राज सत्ता के लिए कुछ लोगों की विकलता बढ़ गई है। नहीं मामाश्री, नहीं। दुर्योधन के होते हस्तिनापुर की राज्य सत्ता किसी के हाथ में नहीं जाएगी। मामाश्री, भ्राता दुर्योधन ज्येष्ठ कुरु कुमार है और हस्तिनापुर के राज्य सत्ता पर इनका स्वाभाविक अधिकार है। प्रिय भांजो, तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि जितना हस्तिनापुर राज्य पर तुम्हारा अधिकार है, उतना ही अधिकार तुम्हारे स्वर्गीय काका श्री पांडव के प्रिय पुत्रों का भी है। पांडवों का अधिकार कैसे हो सकता है, बताइए मुझे। अतीत में घटी घटनाओं का स्मरण रखना सीखो प्रिय भांजो। तुम्हारे पिता महाराज धृतराष्ट्र इस राज्य के विधिवत सम्राट नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात हस्तिनापुर राज्य महाराज धृतराष्ट्र को मात्र संरक्षण के लिए दिया गया था। किंतु आज महाराज पांडु के पुत्र राज्य सत्ता के योग्य हो गए हैं। ये अपना अधिकार तो मांग ही सकते हैं। असंभव, असंभव मामाश्री, कि मैं राज्य की सत्ता और हस्तिनापुर राज सिंहासन की परछाई से भी दूर रखेंगे तुम। विदुर, क्या सोचा तुमने पांडवों के अधिकार के विषय? मेरे सोचने से क्या होता है पितामह, निर्णय तो महाराज धृतराष्ट्र को करना है। मैं तो उन्हें मात्र परामर्श दे सकता हूँ। इस संबंध में तुमने धृतराष्ट्र से कोई बातचीत की? पांडवों के अधिकार की बात पर महाराज धृतराष्ट्र सदैव चुप्पी साध लेते हैं या उचित अवसर की प्रतीक्षा करने को कहते हैं। राष्ट्र का यह व्यवहार
शुभ संकेत नहीं देता विदुर। अपने ही अधिकारों के लिए पांडवों को उचित समय की प्रतीक्षा कब तक करनी होगी? मुझे यह समझ में नहीं आता कि धृतराष्ट्र को पांडवों का अधिकार देने में क्या असुविधा है। उनके किसी भी निर्णय में सबसे बड़ी बाधा ज्येष्ठ राजकुमार दुर्योधन के प्रति उनका अतिरिक्त मोह है। वे किसी भी स्थिति में दुर्योधन की इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करना नहीं चाहते। तो क्या धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में अपने अनुज पांडु के पुत्र युधिष्ठिर के अधिकारों का हनन करेगा? महाराज धृतराष्ट्र के दुविधापूर्ण व्यवहार से मुझे तो इसी बात की आशंका है तात्श्री।